नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम बच्चों आप लोगों को जेपीएससी का सिलेबस बताएंगे। जितने भी बच्चे जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आज की क्लास हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आप लोग आज की क्लास में समझिए कि जेपीएससी पीटी का सिलेबस, जेपीएससी का पीटी का सिलेबस जो होता है, यानी जेपीएससी पीटी के एग्जाम में जो होता है, प्रीलिम्स में एग्जाम जो होता है, वो दो पेपर में होता है। पहला पेपर में जीएस रहता है, जो सामान्य जीएस रहता है, सामान्य ज्ञान इसमें जीएस रहता है। और दूसरा पेपर होता है वो झारखंड जीके का होता है। और पीटी एग्जाम में दोस्तों सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, सबका 2 मार्क्स का रहता है। टोटल टाइमिंग मतलब पेपर 1 में भी 2 घंटा का टाइमिंग रहता है और पेपर 2 में भी 2 घंटा का टाइमिंग रहता है। आपको ये क्वालिफाइंग पेपर है, जिससे कि अगर आप इसमें पास कीजिएगा तो आप मेंस की तैयारी में आगे बढ़ना पड़ता है। ये जेपीएससी का सिलेबस का सेकेंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट एग्जाम होता है पीटी का, सेकेंड एग्जाम क्या होता है बच्चों? जेपीएससी मेंस का एग्जाम होता है। जो जेपीएससी मेंस का जो एग्जाम होता है बच्चों, वो 5 पेपर में होता है, यानी 5 दिन का एग्जाम होता है। फर्स्ट पेपर लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और इसमें भी 3 घंटा का टाइम दिया जाता है। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें इसमें मेरिट में नंबर नहीं जोड़ता है। दूसरा पेपर होता है दोस्तों, यानी बच्चों लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग हिंदी चूज किए, तो अगर आप लोगों को ईजी में पढ़ना है तो यहाँ पर भी हिंदी चूज कर लीजिए। अगर हिंदी 2 जगह पढ़िएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि कोई कोई हिंदी रखता है लोकल लैंग्वेज में, खोटा रखता है, जो अच्छा लगे आपको, जो ईजी लगे वो आप लोग रख सकते हैं। उसके पेपर 3 में होता है बच्चों हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और पेपर 4 में होता है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और पेपर 5 में होता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, और पेपर 6 में होता है जीके और साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी जो होता है वो पेपर 6 में होता है। सबका टाइमिंग रहता है 3 घंटा। ये टोटल जो मेंस का जो एग्जाम होता है दोस्तों बच्चों, वो होता है 1050 मार्क्स का, मैंने करता है, जिसमें से ये 2 पेपर जो होता है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको 30% लाना होता है। उसके बाद ये जो ती, तीन दो चार चार पेपर जो बच जाता है बच्चों, इसमें आपको मेरिट में नाम जोड़ मेरिट इसी से निकलता है, और 100 मार्क्स होता है आपका इंटरव्यू का। क्या चीज का होता है? इंटरव्यू का होता है दोस्तों। एंड बच्चों आप लोग बस अगर किसी को भी जेपीएससी का तैयारी करना है तो इतनी इतनी सारी मुख्य बातों को ध्यान में रख कर तैयारी करना होगा। और आप लोग इस चैनल पर बने रहे, सबसे पहले हम अभी जीएस पढ़ा रहे हैं। जीएस कहने के मतलब पीटी का क्लास ले रहे हैं, कि ओनली पीटी क्लास चल रहा है। पीटी खत्म होगा उसके बाद झारखंड की क्लास भी कुछ कुछ चला है, झारखंड भी चलेगा। उसी तरह जब पीटी का पूरा क्लास